प्राइवेट स्कूलों से लाइन करके सरकारी स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से तय है कि राजस्थान सरकार शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देके और इसमें पूरा ध्यान देके काम कर रही है। तो जरूर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं, व्यवस्थाएं और पढ़ाने का स्तर बढ़ाए, इसलिए प्लान कर रहे हैं। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये आंकड़े की बात है। 13,000 स्कूलों में, कम से कम 13,000 स्कूलों में शिक्षा का जिस तरीके से मापदंड तय हुआ है, प्राइवेट भागीदारी जो मामासाओं की रही है शिक्षा में, उसको देखते हुए लग रहा है बिल्कुल राजस्थान में शिक्षा के लिए अच्छा काम हो रहा है। आज जितना शिक्षा के अंदर राजस्थान में अपग्रेड हुआ है, पिछले 3 सालों में आप नामांकन देखिए, कांग्रेस का नामांकन देखिए, हमारा नामांकन देखिए, आज जो स्थिति शिक्षा की है, हम निश्चित छाती ठोक के इस बात को कह सकते हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की सरकार ने जितना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है आज तक कभी नहीं हुआ। सरकार जो शिक्षा, चिकित्सा और सड़क परिवहन, ये सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी है कि सरकार इनकी सुविधा उपलब्ध कराए। आज शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को जगह जगह गाँव में ढाणियों में गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएं, उनमें प्रशिक्षित शिक्षकों की वहां नियुक्ति की जाए और सब्जेक्ट के ही टीचर लगाए जाएं, ताकि वो अपने सब्जेक्ट के पूर्णतः बढ़िया टीचर होंगे तो बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी और शिक्षा का स्तर अच्छा होगा। ये रहे शिक्षा को लेकर तमाम सवाल हमारे सामने हैं। बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है आज स्कूल एजुकेशन का, तमाम दावों के बीच में कैसे सरकारी स्कूलों के लिए नामांकन बढ़ाने के लिए बच्चों को आकर्षित किया जा सकता है, क्या ग्लैमर है जो कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजे? क्या जबर सिंह जी आपको लगता है कि वो ढांचा आज हमारे स्कूलों में मौजूद है? ऐसा है कि जहाँ तक ग्लैमर की बात है, अगर हम विद्यालय का जो भौतिक परिवेश है अच्छे, उसमें कमरे हों, आधुनिक जो सुविधाएं बच्चों को पढ़ाई के लिए जो होनी चाहिए वो सब वहाँ पर हो, अध्यापक तो बहुत अच्छे होते हैं, इसके लिए तो हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। सरकारी विद्यालयों में जितने भी अध्यापक हैं वो लाखों में से सेलेक्ट होकर के आते हैं, विद्यालयों की योग्यता पे कोई संदेह नहीं है। केवल जो प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट सिस्टम की है, भौतिक परिवेश की है। अगर हम भौतिक परिवेश अच्छा दे दें, मैनेजमेंट अच्छा करें, तो प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के विद्यालय सरकारी विद्यालयों में बच्चे आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ जी। विपिन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक अध्यापक के तौर पर आप क्या कमियाँ महसूस करते हैं जिसके कारण कोई निजी स्कूल एक सरकारी स्कूल पर हावी हो जाती है, वो कमियाँ क्या हैं और उनको कैसे दूर करने की कोशिश होती है जो फिलहाल नहीं हो पा रही? निश्चित रूप से एक जो अध्यापक होता है उसको आगे अपनी पदोन्नति और आगे उसके रहता है कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। इस गवर्नमेंट की अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो सरकार ने यह किया कि पदोन्नति करीब 1,00,000 शिक्षकों की पदोन्नति की है, वो पदोन्नति 5,000 स्कूल इन्होंने माध्यमिक से सीनियर सेकेंडरी में अपग्रेड किए, तो पदोन्नति करीब 75,000 पोस्टें क्रिएट हुई, तो उससे पदोन्नति मिली 1,00,000 शिक्षकों को अपने विभाग में, जो 15 से 20 साल लग जाते थे। दूसरी बात सरकार की अगर बात करूं तो शाला दर्पण और शाला दर्शन, हर शिक्षक का ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड कर दिया कि पहले जो समस्याएं आ रही थी, निश्चित रूप से कि अध्यापक नहीं जाता था, दूसरे डमी को वहां भेज देते था, तो वो डमी सिस्टम भी बंद हुआ कि शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन हो गया। सरकार की अगर उपलब्धियों की बात करें, माध्यमिक शिक्षा को सरकार ने सुदृढ़ीकरण किया। बात आती है मॉनिटरिंग की, जैसे ही मॉनिटरिंग सरकार ने बात करी, मॉनिटरिंग की बात करी, तो निश्चित रूप से रिजल्टों में सुधार आना चालू हुआ। अगर मॉनिटरिंग होगी विभाग में, कोई भी शिक्षक संगठन कोई भी ये नहीं कहेगा कि अगर अध्यापक नहीं पढ़ा रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अभी आपने एक विजुअल दिखाए थे सर, आपके न्याय वाले की बात, अगर डिबेट को थोड़ा सा अगर बाहर की और बात करूं तो जो शिक्षक भर्तियों में एक न्यूनतम अंक भी रखे जाए कि 40% से नीचे वाले को शिक्षक नहीं बना जाए। जब माइनस में बन रहे तो निश्चित रूप से वहां ऐसे ही शिक्षक आएंगे जो गुणवत्ता के सुधार के लिए मिनिमम मार्क्स तय किए जाए, जिससे ये शिक्षकों में दाग नहीं लगे। अगर बात करें इस सरकार की उपलब्धियों की बात मैं कर रहा हूं, नहीं, मैं उससे अलग एक बात करना चाहता हूं। 17,000 स्कूल बंद किए गए जैसा कि आपके आंकड़े हैं, क्या नए स्कूल खोलने का काम भी हुआ? क्योंकि प्राइवेट स्कूल हर साल नई बड़ी संख्या में खुल जाते हैं, उसके मुकाबले सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। नहीं, सरकार 17,000 एक स्लॉट में बंद हुए थे और करीब 3,500 एक स्लॉट में, करीब 20,000 स्कूल बंद हो चुके। सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला है। हाँ, 5,000 स्कूल माध्यमिक से सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किए हैं। नए विद्यालय की अगर बात करें तो नए विद्यालय सरकार ने, नए गांव बढ़ रहे हैं, नई कॉलोनियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके मुताबिक नए स्कूल नहीं बढ़ रहे। मतलब सरकार मानती है कि आप आ जाइए। जिस RTI कानून का आप जिक्र कर रहे थे वो तो हाशिए पर है। बिल्कुल निश्चित, अगर सरकार ने जो बात किया था इसके बाद 2 साल पहले, सरकार ने
सामान्यकरण की योजना लेकर आए थे, सरकार ने क्या कहा था, जहां पर अगर मैथ का लेक्चर आ रहा है वहां मैथ का सेकंड ग्रेड अध्यापक नहीं है, नहीं देंगे, क्योंकि वो लेक्चरार ही वहां पढ़ाएगा, तो पूरे जहां लेक्चरार के जो नॉर्म्स में है पीरियड्स वो बढ़ गए और प्रेशर जो टीचर्स में है वो निश्चित रूप से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सरकार ने कहा कि हम दो साल बाद मॉनिटरिंग करेंगे, वो दो साल पूरे हो चुके हैं। सरकार ने कहा कि 17 लाख बच्चे इस वर्ष जोड़ने, जब जोड़ने हैं तो उसी हिसाब से सरकार ने तैयारी नहीं करी कि हमें शिक्षक भी देने पड़ेंगे। जब नामांकन आप कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं नामांकन बढ़ रहा है, अगर नामांकन की अगर हकीकत की बात करूं, जो 20,000 स्कूल बंद कर रहे थे जहां 15 लाख बच्चे थे, 15 लाख बच्चों में से 3 लाख बच्चे छोड़ के चले गए, 6 लाख बच्चे दूसरे स्कूल में जहां मर्जी वहां चले गए, और 6 लाख बच्चों को हमने जुलाई में जोड़ लिया, उसको आप उपलब्धि बता रहे हैं, ये उपलब्धि नहीं है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कि साहब हमने 6 लाख नामांकन, वो तो वो था जब प्रारंभिक शिक्षा टूट गया। जी दीपेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूँ, हर सरकारी स्कूल से योजनाएं जुड़ी होती है, पोषाहार की बात है, मिड डे मील को लेकर बात की जाती है, नामांकन योजना है जिसका जिक्र विपिन जी कर रहे थे, उसके सिवा भी तमाम तरह के स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर है, बुनियादी स्ट्रक्चर भी आपको डेवलप करना है, भामाचाओं का सहयोग लेके स्कूल में नए कमरे विकसित, तो इसका भी ध्यान रखा जाना है, कि क्या तमाम कवायदें आज हो पा रही है, किस तरह का अनुभव है आप? नहीं, जहाँ देखने को आ रहा है कि ये केवल योजनाएं हैं, पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही। देखा जाए कि माध्यमिक शिक्षा पे सरकार का ज़्यादा फोकस रहा है, प्राथमिक शिक्षा की बात करें हम, जो बुनियाद है भविष्य की, वो बिल्कुल दर्दर हो चुकी है। और बात करें कि इन योजनाओं का क्या हश्र है, योजनाएं में आपने भी विजुअल दिखाया है कि पोषाहार में कीड़े मिल रहे हैं, और जो टीचर्स की बात करी जा रही है कि टीचर्स उपलब्ध हैं, टीचर्स उपलब्ध ही नहीं है, और एक टीचर पर अतिरिक्त भार दिया जाएगा तो वो योजनाओं क्रियान्वित में कार्य करेगा या अपने शिक्षण कार्य को करेगा, कहीं कहीं शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नामा ये जनगणना में लगा दिया जाता है, निर्वाचन आयोग के कार्य में लगा जाता है, और अन्य किसी कार्य में लगा जाता है। तो जब ये योजनाएं सरकार ने इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई है और एक एकल शिक्षक की जो स्थिति हो रही है वो कहाँ, या तो शिक्षण कार्य करवा लो या इससे गैर शिक्षण कार्य करवा लो या फिर आपकी जो योजनाएं उनको कार्य करवा लो, एक अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाएगा। दूसरी बात यह है कि चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट चाहे भाजपा सरकार हो, प्रारंभिक शिक्षा के टीचर्स जो जिला वाइज भर्ती हुई थी 2005 से आज तक उनके स्थानांतरण की कोई पॉलिसी नहीं बनी है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने परिवार से आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है कि मैं अगर 500 किलोमीटर दूर नौकरी करूँगा तो मेरी इच्छा रहे कि मैं परिवार से मिलूँ, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा शेड्यूल सेट करता है कि 15 दिन में 10 दिन नौकरी करूँगा, 5 दिन घर रहूँगा, तो कहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। मैं समझता शाला दर्पण और शाला जो सर ने बताई, विपिन जी ने बात बताई, हो सकता है वो ऑनलाइन है, लेकिन क्या उनकी उपस्थिति ऑनलाइन है? अभी आवासीय शिविरों की जो बात हुई थी ग्रीष्मकालीन शिविरों में ऑनलाइन उपस्थिति, थंब इंप्रेशन की बात पे विरोध मचा, बहुत सारे संगठनों ने इसका विरोध किया। क्यों? सरकार जब आपको पैसा दे रही है काम करने के लिए, आप विरोध क्यों कर रहे हो उस चीज़ का? कहीं कहीं खामियां सिस्टम में बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। ये योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही। गिरिराज गर्ग साहब, क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ दिखावे के लिए मोहरा साबित हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार क्या है, झूठी वाहवाही तो लेना चाहती है, लेकिन मॉनिटरिंग के नाम पे सरकार का कोई सिस्टम नहीं है जी। और सरकार जो है आज सरकारी विद्यालयों को सरकार भामाशाहों के भरोसे छोड़ना चाहती है। आप देखिए, जो पाठ्यक्रम 10 साल में बदलना चाहिए, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, रद्दी हो गई किताबें, मंत्री जी ने कतई परवाह नहीं की और उनको 3 साल के अंदर बदल दिया। अरे भाई, शिक्षा का पैसा है, सरकार का पैसा है, इस पाठ्यक्रम को 10 साल की जो नीति है, एक सिद्धांतिक है, आप वहां तक तो चलाओ इसको। आप 3 साल में बदल रहे हो, आपको ये मालूम नहीं है कि सैकड़ों करोड़ रुपए की जो किताबें हैं वो रद्दी के भाव बिकेगी 1.5 रुपए किलो के अंदर। पैसा ये सरकार का वैसे जाएगा, लेकिन कतई चिंता नहीं है। हमें चूंकि बदलना है इसलिए बदल दिया, और फिर भामाशाहों से ना आग्रह कर रहे हैं कि ना आप हमें ना सहयोग करें ताकि सरकारी स्कूल में भवन बने। उस पैसे का उपयोग यदि होता तो निश्चित रूप से सुधार होता, निश्चित रूप से बच्चों को लाभ मिलता, लेकिन सरकार कतई नहीं चाहती है। सरकार तो ये चाहती है कि नीचे की जो बुनियादी ढांचा है, हमारे शासनकाल में 23,000 प्राथमिक विद्यालय राजीव गांधी पाठशाला के नाम पे इसीलिए खोले गए थे कि नीचे की बुनियाद मजबूत हो, बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण करेगा प्राइमरी स्तर पे, जब वो सेकेंडरी में आएगा, जब वो हाई सेकेंडरी में आएगा, जब वो कॉलेज में आएगा। आप जब प्राथमिक शिक्षा ही उसको नहीं दोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का शिक्षा का स्तर गिरेगा, संख्या गिरेगी। और जैसा विपिन जी ने बताया कि आपने 17-20 हजार स्कूल बंद किए, 15 लाख बच्चों का नामांकन खत्म हुआ, उसके अंदर से जो 6 लाख बच्चे जो आपने प्राथमिक में जो आए, आपने उन्हीं को जो कह रहे हो कि साहब नया नामांकन हो गया और हमारी संख्या जो थी, हमारा प्रतिशत बढ़ गया, ये आंकड़ों का मायाजाल मत बताइए। आप ईमानदारी से, साफ नीयत से गोयल साहब जवाब दीजिए, मैं ब्रेक लूंगा इसके बाद। गोयल साहब,
हाँ जी, ये तमाम सवाल हैं हमारे सामने, जिस बीच में आप बेहतर तस्वीर को बयां कर रहे थे। देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, विपिन जी ने बताया कि सरकार ने कुछ अच्छी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी है, शाला दर्पण के बारे में बताया और एक दूसरे विषय पर इन्होंने बताया। मैं कह रहा हूँ तीन बहुत बड़े मापदंड हैं शिक्षा के, हमें सुधार हुआ या नहीं इस बात को नापने के लिए। पहली बात यह है कि आज की तारीख में शिक्षकों की उपलब्धता, गृहराज्य गर्ग का काम आरोप लगाना, विपक्ष में बैठे हैं वो आरोप ही लगाते हैं, उनकी सरकार ने काम किया होता तो आज विपक्ष में नहीं बैठे होते, पहली बात। दूसरी बात, 49% शिक्षकों की उपलब्धता थी, एकीकरण सामान्यकरण हुआ, 20,000 स्कूल बंद हुए निश्चित रूप से मान लीजिए आप, है ना, लेकिन शिक्षकों की उपलब्धता 74% बढ़ी, 74% के स्तर पर पहुंची। आज अगर आप बात करें, आज अगर आप मुझे बोलने, आप मुझे बोलने दीजिए, आज आप बात करें, हमारे पास होने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट 57% था, वो 57% से बढ़कर 72% पर पहुंचा। कैसे पहुंचा? शिक्षा में सुधार हुआ, टीचर्स ने अच्छी और ध्यान दिया, सरकार ने मॉनिटरिंग करी, तो 57% से 72% गए, तो 15% की वृद्धि हुई। आज अगर आप बुनियादी शिक्षा की बात की, आज आप देखिए स्कूलों की बात कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो गई पूरे 62,000 स्कूलों में, मैं समझता हूँ करीब करीब सभी स्कूलों में बालक और बालिकाएं पढ़ते हैं, सभी स्कूलों में पहली बार उनके लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई, बालिकाएं स्कूलों में आने से डरती थी। आज शिक्षकों के कंप्यूटर शिक्षा की बात की, 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं राजस्थान में जिनके पास में कंप्यूटर की शिक्षा है। तो ये कांग्रेस सरकार ने, कुछ चंद हजार लोग थे, आज 1.5 लाख लोग हैं। फिर भी सवाल हमारे सामने, मोदी जी कहते हैं डिजिटल भारत का सपना, लेकिन हमारे यहाँ कितने स्कूल ऐसे हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन है? सर, कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर की बात होती है? कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को आईटी करने की बात करते हैं? पहली बार 680 स्कूल ऐसे हैं प्रदेश में जिनमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया, आजाद भारत के सपने दिखा रहे हैं। सर, एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ 680 स्कूल ऐसे हैं जिनमें व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया, 9th क्लास से लेकर 12th तक बच्चों को व्यवसायिक पाठ्यक्रम दिया जाएगा। 50,000 बच्चे जब 12th के बाद जाएंगे तो सक्षम होंगे कि अपना रोजगार उपलब्ध कर अपने। चलिए, तमाम तस्वीरें हमारे सामने, ऐसे में शिक्षा मंत्री के लिए क्या रेटिंग होनी चाहिए, शिक्षा विभाग के लिए क्या रेटिंग होनी चाहिए कामकाज के आधार पर? ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी पर साथ ही आपका जवाब।